नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मथुरा से। जिला कुश्ती संघ भारतीय पद्धति के तत्वाधान में अखाड़ा शिव भक्ति के सहयोग से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय श्री माधव सिंह बाबूजी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विराट महाकवि सम्मेलन व वरिष्ठ बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन 10 जून 2022 को आरएसडी पब्लिक स्कूल गांव नगला मानव पर साई 7 बजे से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे दिनेश लवानिया प्रांत प्रमुख धर्म जागरण मंच आरएसएस श्री ओम प्रकाश जी एमएलसी मथुरा, श्री मेघ श्याम सिंह जी विधायक गोवर्धन, श्री कारिंदा सिंह जी बीजेपी विधायक कुंवर नरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता लोक दल, श्री कृष्ण सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष मथुरा, श्रीमती मधु शर्मा जी जिला अध्यक्ष बीजेपी मथुरा, श्री मुकेश सिकरवार जी जिला अध्यक्ष क्षत्रिय राजपूत महासभा, श्री रामजी लाल जी वरिष्ठ नेता बीजेपी, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु पहलवान जी, बीडीसी सियाराम जी, श्री हरिओम चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय संरक्षक भारतीय किसान यूनियन भानु, श्री शिव कुमार जी महानगर कार्यवाह और आरएस अध्यक्ष बिरज मोहन पाठक हिंदू जागरण मंच, श्री ओम जी महानगर बौद्धिक प्रमुख आरएसएस, श्री पवन शर्मा जी बौद्धिक प्रमुख बलराम विभाग आरएसएस, श्री भानु शर्मा जी युवा नेता बीजेपी आदि उपस्थित रहे। सभी मुख्य अतिथियों ने स्वर्गीय माधव सिंह बाबूजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण व दीप प्रज्वलित कर उनको याद कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सभी अतिथियों का आयोजक ठाकुर राजकुमार सिंह व खेल गुरु बजरतन अशोक शेखर पहलवान ने पटुका माली पगड़ी व समिति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। क्षेत्र के बुजुर्ग व्यक्तियों का साफा बांध कर सम्मान किया। उसके बाद कवि सम्मेलन में सर्वप्रथम कवि दीघ भरतपुर राजस्थान से आए सुनील कुमार पाराशर की सरस्वती वंदना से आरंभ हुआ। एवं तदुपरांत स्थानीय कवि विनीत गौतम जी की ओर से कविता पढ़ने ही ओज की कविता पढ़ते ही कहा, किसी के साथ कोई मर नहीं सकता, दिल की है जगह को कोई भर नहीं सकता। इसी क्रम में हास्य व्यंग के व्याख्यात कवि श्री देवी प्रसाद गौड़ ने श्रोताओं को गुदगुदाते हुए कहा, पत्नी ने कहा गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे, पति ने कहा माँ को भी साथ ले, पत्नी ने बेलन उठाया, पति मुस्कुराया, मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी नहीं तुम्हारी माँ की बात कर रहा था। इसके बाद कविता प्रसिद्ध कवि अनुपम गौतम ने जो दशकों से गाते आए वह सपना साकार हुआ, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। तदुपरांत वैर भरतपुर से हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवि बाबूलाल जी डिगिया ने आज सुहागे कल तलाक रचना पढ़कर श्रोताओं को खूब हंसाया। इसके बाद मथुरा की जानी मानी कवित्री रेणु उपाध्याय ने पढ़ते हुए कहा, बालिका बालिका सारे संसार की तारिका रचना पढ़ी। आगरा से आए दीपक दिव्यांशु ने ओज की रचना पढ़कर श्रोताओं का मन मोह लिया। इसके बाद रस परिवर्तन करते हुए ब्रज भाषा में कवि गोपाल प्रसाद ने कहा, सभी का ताप हरकर चांदनी बूढ़ी नहीं होती। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डीग भरतपुर से आए सोहन लाल शर्मा ने कहा, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारे। अंत में अध्यक्षता कर रहे वृंदावन से पधारे मोहन मोहे ने समापन करते हुए कहा, जात धर्म को भेद मिठाया है, योग करे सो योगी। जात धर्म को भेद मिठाइयो है योग करे सो योगी। अंत में कार्यक्रम आयोजक ठाकुर राजकुमार सिंह जी व खेल गुरु बृजरतन अशोक शेखर पहलवान द्वारा सभी कवियों का शॉल उड़ाकर पटुका तस्वीर पगड़ी व नगद धनराशि देकर सम्मान किया। इस अवसर पर हंसा बाबा रसू रमन स्वामी जी जगन्नाथ नानक चंद जी एव बनवारी लाला जी महाराज सिंह ननगो भगत जी अमर सिंह चाचा हॉबी प्रधान लक्ष्मण मास्टर सीएम पहलवान बंटी पहलवान अंकित पहलवान जय भगवान पहलवान कांधा पहलवान रवि पहलवान भोला पहलवान लक्ष पहलवान भक्तो पहलवान हरिंदर पहलवान बनवारी लाल मास्टर बिट्टू पहलवान रामू पहलवान विष्णु पहलवान आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहन मोही तथा संचालन वैष्णो देवी प्रसाद गौड़ ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।